पर हर छोटी मोटी बात के लिए किसी और को परेशान करने में अच्छा नहीं लगता। और अगर अभी कुछ हो जाता वो तुझे अच्छा लगता? हाँ, क्या कहना, तू भी बेकार की बातें करती है। देख, ये घर तेरा है, ऐसी हालत में तो लोगों से बोल सकती है ना तू काम के लिए। चल तू लेट जा और फिक्र मत कर, मैं सुमित्रा से कह दूंगा तुझे ज्यादा उठने बैठने नहीं देखिए। मैं पानी लेके आता हूं और माखन सिंह से कह दूंगा ये फर्श पोंछ देगा। ये हमारा स्कूल बढ़िया है ना, पता है आस पड़ोस के 10 गांव में ऐसा स्कूल ना है। बहुत ही बढ़िया जगदीशिया, और थारे स्कूल के सामने इतना बड़ा मैदान है बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ खेलते थोड़ी ना, यहाँ तो हमारी कक्षा लगती है। अच्छा, इतनी खुली जगह है यहाँ, यहाँ तो आराम से खेल सकते हैं बच्चे। यहाँ बच्चों को तो क्या किसी को भी जाने की अनुमति ना है। क्यों? पता नहीं, दादी सा कहती है कि वो हमारी जमीन है पर मुझे भी नहीं जाने देती। हाय भाई, शहर में तो सुना था इसकी जमीन उसकी जमीन, वहाँ तो बच्चों के खेलने के लिए कोई जमीन है ही ना, पर अब यही हाल गांव में भी होने लगा। बड़ी मासी जी, घंटी बज गई, चलो मैं आपको अपनी कक्षा दिखाता हूँ। चल 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 चल। ये हमारी बड़ी मासी जी है। नमस्ते। बैठो बैठो। ये बाल विशाल, इन बच्चों को तू ही संभाल। बड़े तूफानी है जगदीशिया तेरी कक्षा के बच्चे। हाँ, जब कक्षा में मास्टर जी देर से आते ना तो ऐसे धमाचौकड़ी मस्ती रहती है कक्षा में। और जो मास्टर जी अचानक आ जावे तब तो शाम तक लड़के मुर्गे और लड़कियां ऐसे तितली की तरह हाथ फैला के खड़ी हो जाती है। अच्छा अच्छा, बच्चों अब सुनो हमारी बात। तुम में से कौन कौन हमारे साथ कंप्यूटर कक्षा में जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता? किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहां पर सिर्फ पढ़ाई होती है। वो देना ना वो सीडी। अब देखो बच्चों, इसमें सारे खेल है, मतलब मोटर की रेस है, लड़ाई है, पृथ्वी की जानकारी है, तो कौन कौन खेलना चाहेगा ये सब कंप्यूटर कक्षा में? अरे वाह, तो बस सुनो अब चुपचाप बिना कोई शोर किए आ जाओ। कंप्यूटर कक्षा किधर है? वाह चलो। ये देखो मैं कंप्यूटर कक्षा। वहाँ? हाँ। चलो चलो आजा। गाड़ी दौड़ भी है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, तो सारे कंप्यूटर? लेकिन बस एक ही चलता है। अच्छा। अरे भाई, अब घूरने से थोड़ी ना चलेगा कंप्यूटर, शुरू करो ना। बड़ी मासी जी, मास्टर जी की अनुमति के बगैर इसे हाथ लगाना मना है। हाँ हाँ, तो ले लो ना अनुमति। जा छोरे जा, बुला कर ला मास्टर जी को। तुम सबको ये खेलना आता तो है ना? हाँ। पर मास्टर जी हमें गणित पढ़ाते हैं। गणित? हे बाल विशाल, इस स्कूल को तू ही संभाल। इसमें पढ़ाई करते हैं? ये कोई किताब है जो सिर्फ पढ़ाई के लिए काम आए?
इस पर कभी कुछ खेलने नहीं देते? नहीं। हाय हाय, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, एक से एक मजेदार खेल खिलाऊंगी इस पर। अरे तुम सब यहाँ पर क्यों हो, कक्षा में क्यों नहीं हो? नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, ये हमारी बड़ी मासी जी है। अब खड़े क्यों हो, अजी बैठिए ना। नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे चलाना है, चला दो। मैं बच्चों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, पर हेड मास्टर जी से पूछे बिना मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगा। तो पूछ लीजिए ना हेड मास्टर जी से, मैं जो सीढ़ी दिखाना चाहती हूँ उसे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। भाई यहाँ बच्चों की भीड़ क्यों लगी हुई है? सर, ये मासा की बड़ी बहन है। नमस्ते जी। तुम्हारी इज्जत का है, अगर मारा मन करे ना तो इस साल के आम की फसल और मारा सारा बाग गांव वालों में बांट दूं तो भी मारे कोई फर्क नहीं पड़े। पर मारे बाग की गहरियों की खुशबू इस घर के लोगों तक पहुंचे आ बात मानने बर्दाश्त को नहीं। फसाद की चिंगारी को हवा तुम लोगों ने दी है, पर ना भी तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, देखना क्या होता है। यहां आने से पहले पंचायत में मैं तुम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आया हूं। कल सुबह तैयारी करके आना पंचायत में तुम लोग हमारे सामने। और हां एक बात और, अगर पंचायत से मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन तक घसीट लूंगा, देखना तुम लोग। अरे बस बस मदन सिंह, बस बात सुन ली थारी, जे खाली बादल की गरज, पर मैं ना गरजू, दिखाऊंगी कल थारे को पंचायत में तुम्हारे घर के अंदर घुसकर आवाज ऊंची करने का मतलब क्या होवे। मिलेंगे कल पंचायत में। अब जे अपनी कैरियां उठा निकल तुम्हारे घर से। सब क्या है कल्लो? कुछ ना है जीजी, आप जाके आराम कर लो, कल पंचायत में क्या होगा देखेंगे। अरे होना क्या है, कुछ नहीं होगा मासा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस मदन सिंह को। अरे इतनी औकात हो गई उसकी, हमारी चौखट पर आकर हमसे जुबान लड़ाने की हिम्मत की उसने। अगर उसने कल कोई बदतमीजी की ना मासा, तो वो मेरा वो रूप देखेगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। कह देना अपने आदमियों से कल सुबह पंचायत में हाजिर रहें। फसाद की चिंगारी को हवा तुम लोगों ने दी है, पर ना भी तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ आने से पहले पंचायत में मैं तुम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर आया हूँ। अगर पंचायत से मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन तक घसीट लूंगा, देखना तुम लोग। अगर उसने कल कोई बदतमीजी की ना मासा, तो वो मेरा वो रूप देखेगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। कल पंचायत में क्या होगा देखेंगे।
कल्लू, मैं थारे घाव भरने आई थी, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी थारे गले में। इतना क्यों सोचो हो जी जी, चल जैसा भूल जाओ, खाना खा के आराम से सो जाओ, आ जा। इतनी बड़ी अशांति हो गई घर में और मैं खा पी के सो जाऊं? अशांति किस बात की जी जी, आपका तो कोई दोष ना है। दो कैरी तोड़ने से कौन सा पहाड़ टूट गया? ये कोई पहली बार थोड़ी है जो मदर सिंह ने ऐसा किया है। अरे वो तो बहाना ढूंढता रह गए है हमारे परिवार पे अपनी भड़ास निकालने का। ये तो बहुत पुरानी कहानी है जी जी, अब जान के क्या करोगी? इतना बड़ा तमाशा हो गया, मैं तो जानकर ही रहूंगी। बोल क्या बात है? ना जी जी चलो खाना खा लो। नहीं मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, पहले बता मुझे बात क्या है कल्लू। ओ जगदीश का स्कूल देखा है ना आपने? हाँ। तो उसकी जमीन बसंत के बापू साह ने स्कूल बनाने के लिए दान में दी थी। उस जमीन से लगकर ही एक टुकड़ा है जो मदन सिंह के बापू हुकुम सिंह का है। जब दीवार चिढ़ रहे थे तब पता चला कि हुकुम सिंह ने धोखे से हमारी जमीन का कोई 30-40 फुट पे अपना घेरा डाल रखा है। बसंत के बापू ने बहुत मनाया हुकुम सिंह को कि स्कूल की जमीन है, छोड़ दो छोड़ दो। होना माना, टस से मस ना हुआ। पर कल्लो, मदन सिंह तो काफी धनी लगे हैं, पर इतने से टुकड़े के लिए उसके बापू ने इतनी जान जलाई? इसलिए जी जी कि जमीन पर जब खुदाई हो रही थी तो वहां से मदन सिंह के पुरखों के कुछ शस्त्र निकले, इसलिए वो जमीन किसी कीमत पे भी छोड़ने को राजी ना है। जमीन खरीदने की भी बात की 2-3 बार उन्होंने, पर बसंत के बापू साहब दान में दी हुई चीज का सौदा कैसे करते? और वो भी शिक्षा मंदिर के लिए दान की हुई जमीन। तो फिर? फिर क्या, पैर बढ़ तो गयो। फिर जब और कोई रास्ता ना सूझा तो बसंत के बापू साहब ने हुकुम सिंह के खिलाफ थाने में रपट दर्ज करा दी।